अस्सलाम वालेकुम, शाहमीर अहमद ऑन एम कंस्ट्रक्शन से। आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्म वर्क। आज हम फॉर्म वर्क को कैलकुलेट करना सीखेंगे। कल की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कंक्रीट की क्वांटिटी को निकालना सीखा था कि कैसे कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कंक्रीट की क्वांटिटी के तरह ही। एक सिर्फ हमने इसके अंदर जो है जो विड्थ है या लेंथ है या एक जो क्या कह सकते हैं उसे पैमाइश है उसे कम करना है और फॉर्म वर्क की पैमाइश हमारे पास आ जाएगी। जिस तरह ये ऊपर हम देख रहे हैं कंक्रीट निकालने के लिए, क्योंकि हमें क्यूबिक फिट चाहिए होता है, क्यूबिक फिट के अंदर कंक्रीट की क्वांटिटी निकलती है, इसलिए हमें यहाँ पर तीनों पैमाइशें चाहिए होती हैं। 1, 2, 3 लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स। तो इन चारों का जो मजमूआ होता है या इन चारों का जो सम होता है वो कंक्रीट की क्वांटिटी होती है। और जब हम फॉर्म वर्क में आते हैं तो इसमें हमें दो डायमेंशन साइज चाहिए होती हैं, क्योंकि फॉर्म वर्क हमें स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर में चाहिए होता है, इसीलिए हम दो डायमेंशंस को टू डायमेंशनल जिसे कहते हैं, दो डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर फीट एरिया आ जाता है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय हम नंबर ऑफ आइटम्स करते हैं तो उतने आइटम्स का हमारे पास एरिया आ जाता है। मसलन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीम नंबर 1, बीम नंबर 2, बीम नंबर 3, इसी तरह थ्रू आउट 12 बीम्स पूरी बिल्डिंग के अंदर हैं। 12 नंबर ऑफ बीम्स हैं तो 12 नंबर ऑफ बीम्स को लिखा गया है और उनका एरिया निकाला गया है। सबसे पहले हम बीम नंबर 1 पे आते हैं। पूरी बिल्डिंग के अंदर जो बीम नंबर 1 है उसकी लेंथ है 441.66 फीट और उसकी जो हाइट है वो दोनों तरफ ठीक है दोनों तरफ 1.5 फीट है। ठीक है, चूँकि बीम जो है वो एक ही है, ठीक है, अब बीम के दोनों साइड पे फॉर्म वर्क लगता है इसलिए यहाँ पे हमने दो लिख दिया है। ठीक है, एक साइड बीम की 1.5 फीट हाइट पर है, बीम की टोटल लेंथ 441.66 फीट है और क्योंकि बीम की दो साइडें होती हैं दोनों साइडों पे फॉर्म वर्क लगा होता है। बीम के नीचे दीवार हुई हुई थी पहले, क्योंकि लोड बेयरिंग बिल्डिंग है, नीचे बीम के दीवार हुई हुई थी तो वहाँ पर फॉर्म वर्क नहीं लगाया, इसलिए हमने सिर्फ दो साइड्स ली हैं। ठीक है, वरना हम बीम का बॉटम भी कैलकुलेट करते हैं अगर बॉटम पे फॉर्म वर्क लगा होता तो। यहाँ बॉटम पे फॉर्म वर्क नहीं लगा, सिर्फ साइडों पे फॉर्म वर्क लगा है तो हमने यहाँ पे दो लिख दिया। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स यानी नंबर ऑफ साइड्स, दो साइड्स हैं इनको मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास कॉन्टेंट यानी स्क्वायर फिट एरिया आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्टेंट लिखा है तो इसको मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए चेंज कर देता हूँ, एरिया SFT हमने कर दिया। ठीक है, ये एरिया आ गया, इसमें अब फार्मूला लगाया एक मैंने। ठीक है, इसको मैं डिलीट करके आपको फार्मूला लगा के बताता हूँ। यहाँ पर है इज इक्वल दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स, इसको जब हम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एरिया आ गया। इसको ही हमने यहाँ से पकड़ कर ड्रैग कर देना है। ठीक है, इसको हम यहाँ से पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो हमारे पास टोटल का एरिया आ जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह से ये देखें, पहले मैंने इसके अंदर ड्रैग किया हुआ था, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके आपको दोबारा लगा के बताता हूँ इसको निकालने का तरीका। इस सेल के ऊपर हमने क्लिक करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये हो गया, एक फार्मूला जब आपका लग जाएगा तो बाकी सब सेम तरीका आपने इस अप्लाई करना है सबके ऊपर। ठीक है, और इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टोटल जितना भी है एरिया सबका निकल आया, बहुत इजी तरीका। अब इसके अंदर हमने पहले तो मैंने आपको एक बीम का बताया था, अब दूसरे बीम का भी इसी तरह है, तीसरे का देखें, तीसरे के अंदर हमारे पास 18 बीम्स हैं। ठीक है, यानी B3 जो है उनकी क्वांटिटी हमारे पास 18 है, 18 जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है बीम्स की, और इस बीम की जो लेंथ है 1.75 यानी 1 फुट 9 इंच है। 18 बीम्स हैं, 1.75 की इसकी एक साइड लगी हुई है, अब यहाँ पे 34 लिखा हुआ है। ठीक है, 18 दुने 36 होता है, तो मैंने ड्राइंग के मुताबिक इसको किसी तरह से कैलकुलेट किया होगा तो ये शायद कोई दो साइड्स कम होगी किसी तरीके से, दोनों जो इसकी दो साइड्स हैं ना वो दो साइड के ऊपर कोई ना कोई चीज़ आ रही होगी, पहले से लगी हुई होगी या वहाँ पर पहले कोई दीवार होगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, वरना
हर बीम की दो साइडें होती हैं, तो यहाँ पर 36 आना चाहिए था, ठीक है। एज पर साइड, चूँकि दो साइडों के ऊपर कुछ ना कुछ होगा, इस तरह से मैंने यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर देखें, अब आ जाते हैं, कुछ इस तरह से भी हुआ होगा इसके अंदर, जिस तरह से आप ये बीम देख लें। एज पर साइड हमें कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। ये हमारी अपनी समझ बूझ के ऊपर मुनहसर है, हमारी अपनी समझ बूझ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने साइड की एग्जीक्यूशन करनी है, वहाँ पर हमने देखना है, हमने खुद डिसाइड करना है कि एक बीम वन है तो उसकी हमने दो साइडें लिखनी है, हमने दो साइडों की यानी एक साइड की लेंथ हमने 1.5 फिट लिख ली तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, या फिर हम इसको दोनों साइडों को यहाँ पे 3 फिट लिख लें और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, ठीक है। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब जिस तरह यहाँ पे 18 बीम्स हैं, B6 यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, जबकि बीम जो है 18 दोनों दो साइड हैं, तो यहाँ पे 36 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपनी समझ के मुताबिक, अपनी आसानी के लिए जो मुझे मुनासिब लगा वो मैंने चेंज किया। वो मैंने चेंज क्या किया कि 18 फुट का B6 है, उसकी 1 फुट की साइड है, ठीक है, 1 फुट की उसकी साइड है, तो उसकी जो है बीम हमारे पास वहाँ पे जो साइड के ऊपर थे ना, वो दो बीम थे। अब दो बीम थे तो उसकी अगर दोनों साइडें होंगी ना, तो वो चार साइडें हो जाएंगी, यानी एक बीम की दो साइडें, दूसरे बीम की दो साइडें, तो चार साइडें यहाँ पर हैं। 18 फिट की एक साइड है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसी तरह हम नीचे आ जाएं अगर, तो B7 है, यहाँ पर B7 है, तो ये जनाब सेम सेम तरीका है, इसमें कोई जो है ना दिक्कत नहीं होगी आपको समझने के लिए। लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यानी नंबर ऑफ बीम्स या नंबर ऑफ साइड्स, बीम्स की जितनी साइड्स हैं। इसी तरह हम अगर आ जाएं रूफ स्लैब के अंदर, ठीक है, उम्मीद है आपको इसके अंदर जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं थोड़ा सा आपको ना एक और साइड पर लेकर जाता हूँ, वहाँ पे आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। इसके ऊपर मैंने एक कॉलम जो है वो शॉर्ट करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल बिल है, तो वो जितना हो सकता है मैं इसको शॉर्ट करके बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा डिटेल में जाने के लिए मैं आपको इसमें ले जाता हूँ। जैसे ये देखें, ये बीम 1, बीम 2, बीम 3, बीम 4 लिखा हुआ है, बीम 5 लिखा हुआ है ना, इसके अंदर देखें आप, ये लेंथ लिखी हुई है, ये हाइट लिखी हुई है बीम की, ठीक है, ये एरिया स्क्वायर फिट लिखा हुआ है। अब ये आइटम लिखा हुआ है एक, एक बीम है तो उसकी दो साइडें हैं तो दो हो गई, यहाँ पे एक बीम है उसकी दो साइडें हैं तो दो हो गई, यहाँ पे 17 बीम है, 17 बीमों के दोनों तरफ फॉर्मवर्क लगेगा, तो ये देखें 34 लिखा हुआ है। यहाँ पे B4 जो है वो 7 है, सातों बीमों की दोनों साइडें लगेंगी, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स होंगी, तो ये देखें यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। अब इसी तरह हम नीचे आ रहे हैं, देखें ये B9 जो है, B9 3 है, यानी 3 बीम है, 9 नंबर बीम जो है वो 3 है। अब तीनों बीम्स के दोनों साइड पर फार्म वर्क होगा तो दो साइडें होंगी तो वो 6 हो जाएंगी, यानी 3 दोनों 6 हो गया, ठीक है। ये देखें ये जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम मैंने आइटम उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, इसमें मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल बिल है, देखने वाला जो है उसको सिर्फ क्वान्टिटी चाहिए होती है, जब हम मैथ पर साइड उसको कैलकुलेशन करवाते हैं, इस वजह से मैंने बिल को शॉर्ट करने के लिए ये कॉलम जो है उसमें स्किप किया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, यही चीज़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये इसके अंदर ये देखें, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ मैंने आइटम वाला कॉलम इसमें मैंने ऐड नहीं किया हुआ। जैसे ये 14 था, यानी 14 साइडें हैं तो 14 साइडें होंगी 7 बीमों की, वो ऐड नहीं किया हुआ। इसी तरह हम आते हैं रूफ स्लैब्स के ऊपर, तो रूफ स्लैब के अंदर S1 है। मैंने आपको बताया था कि मैंने हर स्लैब की क्वांटिटी जो है वो अलग अलग निकाली हुई है, हर स्लैब का अलग एरिया को कैलकुलेट किया हुआ है। S1 जो है उसकी लेंथ है 128.75 मल्टीप्लाई बाय 22 उसकी विड्थ है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक ही स्लैब है S1, मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये देखें फॉर्मूला लगा हुआ है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय 1, तो स्लैब 1 का एरिया आ गया। इसी तरह स्लैब 2 का एरिया आ गया। इसी तरह शेड की जो क्वांटिटी है, शेड की लेंथ और विड्थ लिखी, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, तो इसकी क्वांटिटी आ गई, ठीक है। इसी तरह लोअर स्लैब, एक नीचे स्लैब एक छोटी सी थी, तो उसकी लेंथ थी 20.5 और 7.25, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि वो एक ही स्लैब है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 148.625 इसका एरिया आ गया।
इसी तरह स्लैब 3, एस 4, एस 5, एक्स 6, एस 7, एस 8, एस 9, एस 11 तक जितनी भी स्लैब्स हैं उन सब का सेम तरीका है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्लैब्स, तो उन सब का एरिया सामने आता जाएगा। नीचे आर्चिस का एरिया निकला हुआ है, आर्चिस का एरिया निकालना है मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये एक थोड़ी सी अलग सी चीज़ है। इसका एरिया जो है वो आसानी से कैलकुलेट नहीं होता, उसको ऑटोकैड पे कैलकुलेट किया था, तो मैं आपको ऑटोकैड से भी उसका एरिया कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अगर आपको मैनुअली भी उसका तरीका सीखना है आप कमेंट में बताइएगा, किसी चीज़ की पूरी वीडियो में समझना है आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा वो बता दूंगा, ठीक है। या उसके ऊपर किसी चीज़ की आपको नई वीडियो, अगर आपको कोई टॉपिक आपके जहन में है कि आपको किसी चीज़ की सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है या आप कुछ सीखना चाहते हैं नया, आप वो कमेंट करेंगे, मैं उसके हवाले से भी वीडियोज़ बनाऊँगा। इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो मैं उसके हवाले से भी आपको कमेंट में आंसर दूंगा। अगर आप अपना नंबर छोड़ देंगे मैं प्राइवेट भी आपको मैसेज करके इस हवाले से बता दूंगा। आज तो हमने ये सीखा है फॉर्मवर्क निकालना। फॉर्मवर्क के बाद अगला जो हमारा पार्ट होगा वो हम देखेंगे स्टील किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको फॉर्मवर्क निकालने में एक्सेल यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं एक्सेल के ऊपर भी वीडियोज़ बना के सेंड कर दूंगा। ये जो फिलहाल इसके अंदर मैं सब कुछ आपको सिखा रहा हूँ ये उनके लिए है जिनको थोड़ा बहुत एक्सेल यूज़ करना आता है, जो ये सारा इंटरफेस बना सकते हैं, उनको सिर्फ बिल के पैटर्न का पता नहीं होता, ठीक है। ये सारा कुछ इसकी तरफ देख के आप बना सकते हैं, सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी किस तरह से फॉर्मवर्क निकालना है, आपको पता चला होगा। मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें, क्योंकि हम ये पूरा कोर्स करवा रहे हैं इसका क्वालिटी सर्वेइंग का, कि जो जो चीज़ें भी इसके अंदर शामिल होती हैं, आपको एक बिल के अंदर किस तरह से कौन कौन सी चीज़ की कैलकुलेशन की जाती है, फिर उसको बिल को बनाया किस तरह जाता है, बिल के साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अटैच करके हम बिल सबमिट करवाते हैं, तो ये पूरा जब तक के बिल जो है सबमिट नहीं होता तब तक सारे चीज़ें मरहलावार पार्शली मैं आपको दिखाता रहूँगा इसके अंदर, ठीक है। चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।